वेलकम बैक वन सेकेंड फ्रेंड हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी और दोस्तों ऑन बिहाफ ऑफ रोहिणी इंस्टीट्यूट मैं आपका मिश्रा सर लेकर आया हूँ आपके लिए आईटीआई का ही एक धमाकेदार वीडियो दोस्तों आज के वीडियो का टाइटल है इंडक्टर जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इंडक्टर भी कई टाइप के होते हैं कई सारे आपको डायग्राम दिख रहे होंगे तो आज इन्हीं के बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे आखिरकार इंडक्टर होता क्या है इसके टाइप और इसकी एप्लीकेशंस और इसके टाइप्स को तो हम और अच्छी तरह एनालिसिस करेंगे तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा अपने फ्रेंड सर्कल पर शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों देखिए व्हाट इज इंडक्टर आखिरकार इंडक्टर होता क्या है तो देखिए स्टोरेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डिलीवर इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मतलब ये एक मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है और जब भी रिक्वायरमेंट होती है वेन तब ये हमें वो एनर्जी को डिलीवर करता है वेनएवर करेंट पास थ्रू द कंडक्टर कंडक्टर के थ्रू जब भी करंट पास होती है लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आर जनरेटेड अराउंड इट उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन जनरेट हो जाती है तो दिस मैग्नेटिक फ्लक्स अपोज एनी चेंज इन द करेंट ड्यू टू द इंड्यूज ई एम एफ अब जो करेंट फ्लो हो रही थी ना उसकी उसके अंदर जो भी चेंज आ रही है उसको अपोज करता है क्योंकि उसमें इंड्यूज ई एम एफ भी प्रोड्यूस हो जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स Is known as the और फिर उसी कंपोनेंट को इंडक्टर कहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरी स्लाइड आपको एक बार में समझ में आ गई होगी अब बात आती है तो इंडक्टर इन, की यूनिट क्या होती है तो दोस्तों कैपिटल है, एच में भी डिनोट करते हैं अब अब ये जो है, वो 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 क्यों लगा है? क्योंकि वो oppose कर रहा है राइट right? और जो एल है वो क्या है वो इंडक्टेंस इन हेनरी वही इंडक्टेंस जो हमने बोला आपको राइट right? तो इंडक्टेंस हेनरी में कैलकुलेट हो गया और डी आई अपॉन डिटी क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट जी हाँ जहां पर डिफरेंशियल लग गया वहां पर रेट ऑफ चेंज शुरू हो जाता है ठीक है अव करेंट तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट तो यहाँ पे इंड्यूस ई का फॉर्मुला होता है तो e तो ये तो बात रही यूनिट की और फॉर्मूला की ना चलते हैं आगे कि फैक्टर दैट अफेक्ट द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल अगर कोई कॉइल है उसका इंडक्टेंस है तो उसके कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो उसको इन्फ्लुएंस करेंगे तो दोस्तों पहला आता है नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल कॉयल के जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हो रहे हैं ना उस पर भी अफेक्ट करता है अगर टर्न्स को इंक्रीज किया तो इंडक्टेंस की वैल्यू भी वेरी करेगी दूसरा आता है परमिबिलिटी मैं आपको अलग से बताऊंगा कि क्या परमिबिलिटी है क्या लेकिन फिर भी आप समझिए परमेबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल राइट थर्ड पॉइंट है साइज ऑफ द कोर जो कोर है उसका साइज तो देखिए इंडक्टेंस इज गिवन बाय जो एल आर है ना वो है क्या अगर ये तीन चार फैक्टर को हम कंसीडर कर रहे हैं तो इंडक्टेंस है क्या इंडक्टेंस इज इक्वल टू न्यू नॉट न्यू आर ए

राइट right? और लास्ट में एल आता है एल है लेंथ ऑफ द कोल इसी तरीके से आपका इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपके सामने पेश हुआ है राइट right? फैक्टर भी समझ में आ गया उसके फॉर्मूले भी समझ में आ गए चलिए मूव करते हैं जो मैंने आपको वादा किया था परमीबिलिटी का तो आखिर क्या परमिबिलिटी है क्या देखिए परमिबिलिटी इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू सपोर्ट द फंक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद इन सेल्फ मतलब इट ये मेजर है एक एबिलिटी है जो एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक डिवाइस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को प्रोड्यूस करे ना उसकी एबिलिटी की उसको सपोर्ट करना ठीक है विद इन इट सेल्फ इज नोन एज अ मेलेबिलिटी ठीक है ये इन मान के चलिए एक नंबर के डेफिनेशन में यह आएगा ठीक है तो आपको ये डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए कि आखिरकार परमेबिलिटी होती क्या है चलिए अब बात करते हैं देखिए एन इंडक्टर कंसिस्ट ऑफ आपको पता होना चाहिए कि जो इंडक्टर है ना वो उसमें क्या होता है वो क्या होता क्या है देखिए कॉपर वायर है कॉपर मतलब मेटल मेटल वो भी हायर उसकी रिएक्टिविटी की या हायर कंडक्टिविटी की मेटल है ठीक कॉपर वायर वाउंड अराउंड अ कोर एक आयरन का पीस है राउंड शेप आपको दिख रहा है उसी के अराउंड कॉपर की वायर को राउंड किया गया है मैं डप पावे फेरो मैग्नेटिक मटेरियल जो कोर है ना वो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल का ही बना है अब मैं आगे बताऊंगा कि आखिरकार वो क्यों बना है उसका ठीक तो ये इंडक्टेंस होता क्या देखने में कि एक कोर है लोहे का उसमें कॉपर की वायर का राउंड किया गया है राइट अभी आपके सामने मैं कुछ एक फिगर लेके आया हूं देखिए जो आपने वॉलपेपर पे देखा था स्टार्टिंग में वो भी है और यहाँ भी आप देख रहे हो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इसी का हमारा इंडक्टेंस का जो कोर है जो आपने देखा वो इसी का बनता है राइट समझ में आ गया तो आप देख सकते हैं कि कई टाइप के आपके इंडक्टेंस अवेलेबल हैं आपके सामने है ना तीन टाइप्स तो आपको सामने दिख रहे हैं हुए हैं और ये जो कोर होता है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है आपने अभी उसकी यूनिट भी देख ली जैसे आपने देखा था कि कैपेसिटर होता है उसकी यूनिट फराडे होती है इसी प्रकार से ये आपका इंडक्टेंस होता है या इंडक्टर होता है इसकी इंडक्टेंस की यूनिट होती है हैंडरी में राइट तो दोनों अलग अलग हैं देखिए रेजिस्टेंस इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों अपने अपने फील्ड में अलग अलग हैं लेकिन देखिए कैपेसिटेंस और जो इंडक्टेंस है वो करंट को स्टोर करता है लेकिन अपोज करने वाला रेजिस्टेंस होता है अगर मैं टाइप की बात करूं तो इंडक्टर के टाइप होते हैं दो पहला देखिए मतलब तो एक ही टाइप में अलग अलग वैरायटी देखिए फिक्स्ड इंडक्टर उसमें होता है एयर कोर इंडक्टर दूसरा होता है आयरन कोर इंडक्टर तीसरा होता है फेरनाइट फरीट कोर इंडक्टर और लास्ट में तो वेरिएबल इंडक्टर्स तो अलग ही है राइट right. तो अब मैं इसको डिटेल में आपको एक एक करके बताऊंगा लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और साथ ही साथ इसको अपने फ्रेंड सर्कल छोटे भाई बहनों तक भी इसको आप सर्कुलेट कीजिए अभी अभी तुरंत ताकि हमें यह खुशी मिले कि हाँ आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है राइट right? और चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कीजिए राइट चलिए देखिए क्या है फिक्स्ड इंडक्टर में पहला आता है एयर कोर इंडक्टर आखिरकार ये एयर कोर इंडक्टर है क्या तो एयर कोर इंडक्टर होता है इन रेडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन वेयर वेरी लो वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस फ्रॉम द फ्रैक्शन ऑफ द माइक्रोफेरिड टू अ फ्यू माइक्रोफेर मतलब बहुत छोटा बहुत लो इंडक्टेंस का ये रेडियो फ्रीक्वेंसी में यूज होता है इज रिक्वायर्ड एयर कोर इंडक्टर आर जनरली यूज द एयर कोर इंडक्ट इंडक्टर कंसिस्ट अ फ्यू टर्न ऑफ अ वायर वाउंड ऑन अ होलो फॉर फॉर्मर मतलब इसमें कोई कोर वायर कोर रॉड आयरन की कुछ नहीं लगी होती होलो होता है और इसमें जस्ट हम एक वायर को ही बस राउंड कर देते हैं राइट right? तो इसका नाम हो जाता है एयर कोर इंडक्टर बीच में कुछ नहीं है सिर्फ एयर है राइट right? तो फॉर्मर मेडअप सिरेमिक प्लास्टिक और अ कार्डबोर्ड हम इसको पहले कार्डबोर्ड या सिरेमैक बनाते हैं उसके बाद उसको हटा देते हैं तो ये इस टाइप का बन जाता है और बीच में रहती है एयर राइट अगर आप इसको डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो आपको डायग्राम के थ्रू दिख रहा होगा कि अंदर देखिए कॉपर का जो मतलब जो बना हुआ है वो एकदम क्या है हॉलो है अंदर से लिखा हुआ है एयर विल बी देयर इनसाइड द फॉर्मर जो फॉर्मर है उसके अंदर क्या है एयर है लिखा इट हैज द लीस्ट इंडक्टेंस सेंस इट in air all magnetic lines produced by changing the current do not link with very every turn of the coil matlam Joe magnetic लाइन जो प्रोड्यूस हो रही है बाय चेंजिंग द करंट करंट की चेंज की वजह से वो लिंक नहीं कर पा रही हर एक कॉयल के ऊपर इसलिए इसकी वैल्यू बहुत लो होती है और मैनी ऑफ दैम लॉस्ट इन द स्पेस और बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वो आधे रास्ते में ही लॉस्ट हो जाती हैं तो इस प्रकार से आपका रीज़न वो बता दिया कि आखिरकार ये जो जो आपका एयर कॉयल बनता है ये इंडक्टर ये क्यों इसकी रीडिंग कम आती है क्वेश्चन बेटा जरूर पूछा जा सकता है एलेवंथ में भी या आपके आई में भी पूछा जा सकता है ये कि आखिरकार ये इसकी वैल्यू लो क्यों होती है तो आप डायग्राम के थ्रू और प्लस आप इसके थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं चलिए मूव ऑन करते हैं देखिए डायग्राम आपको दिख रहा है हाई फ्रीकवेंसी एयर कोर इंडक्टर अब उसमें भी आपने देखा था एयर कोर इंडक्टर इसमें देखा था हाई फ्रिक्वेंसी एयर कोर इंडक्टर तो आखिरकार ये हाई फ्रिक्वेंसी क्या है डायग्राम में आपको दिख रहा होगा लेकिन आप कुछ अपना क्लू बताइए अगर आप समझ में आए तो प्लीज एक कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए कि सर ये क्यों है लेकिन अगर आपको पूछना है या जानना है तो आप पेशेंसली बने रहिए वीडियो पे देखिए लिखा हुआ है आयरन कोर इंडक्टर उसका नया टाइप कॉपर वायर वाउंड ऑन होलोफॉर्मर मतलब कॉपर का वायर है उसको राउंड किया गया है हॉलोफॉर्मर पर अब कोर मटेरियल पास थ्रू द फॉर्मर जो कोर मटेरियल था आपका वो जो हमारा फॉर्मर है उसमें से वो पास करेगा तो इट फॉर्म अ क्लोज मैग्नेटिक पाथ फॉर अ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए एक क्लोज पाथ बनाता है सो इट डू नॉट लीक आउटसाइड द कॉइल वो आउटसाइड द कॉइल नहीं जाता मैग्नेटिक फ्लक्स तो इससे क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कोर प्लस मतलब जो आयरन है उससे प्लस टोटल फ्लक्स होता है ठीक है अब क्या हुआ फॉर्मर पेपर और अ प्लास्टिक फॉर्मर किसका बना होता है पेपर का या प्लास्टिक का और कोर क्या होता है सिलिकॉन स्टील और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन द लाइन ऑफ शीट अ लैमिनेटेड शीट क्या है टू रिड्यूस टू रिड्यूस द हिस्ट्रेसिस एंड एडी करेंट लॉस हम लैमिनेटेड शीट का यूज करते हैं राइट यहां तक बात समझ में आ गई चलिए आगे बढ़ते हैं आयरन कोर इंडक्टर कॉल्ड चोक आयरन कोर इंडक्टर को हम चोक भी कहते हैं यूजफुल एट लो का हो वैल्यू फ्यू उसकी वैल्यू फ्यू हेनरी होती है पावर सप्लाई पावर सप्लाई का जो फिल्टर सर्किट होता है उसमें आयरन कोर इंडक्टर यूज होता है अब ये जो चोक है आयरन कोर चोक है चोक इन द फ्लोरेसेंट ट्यूब्स फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में भी ये चोक आयरन कोर इंडक्टर का यूज होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स आता है उसको स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक लाइंस और जब रिक्वायरमेंट होती है वो तब ही हमें प्रोवाइड करता है एज अ क्या रिक्वायरमेंट के तौर पे ऐसे नीड हमारी फुलफिल करता है तो इस प्रकार के इस प्रकार से आपके सामने आयरन कोर इंडक्टर और उसका एप्लीकेशन सब पूरा होता है राइट चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टाइप पर दोस्तों नेक्स्ट टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखिए कि ईडी करंट क्या होता है द इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ध्यान से देखिए इी करंट जो इलेक्ट्रिक करंट होती है ना कंडक्टर पे जो इंड्यूस हो रही है कब व्हेन एक्सपोज्ड टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जब मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज कर रहे हैं तो कंडक्टर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड हो रही है उसे कहते हैं हम इडी करंट राइट अब इसका डिसएडवांटेज क्या है देखिए लिखा हुआ है एनॉर्मस इंक्रीज इन हिस्ट्रेसिस एंड द करंट लॉस मतलब जब हमारा हिस्ट्रेसिस इंक्रीज होता है बहुत ज़्यादा में तो हमारा ई करंट करेंट लॉस होता है पहला डिस एडवांटेज और दूसरा क्या है कैन नॉट बी यूज फॉर अ हायर फ्रिक्वेंसी ई करंट करेंट को हम हायर फ्रिक्वेंसी के रूप में यूज़ नहीं कर सकते ठीक है तो ये दो इसके डिसएडवांटेजेस हैं और एडी करंट तो आप जान ही रहे हैं एडी करंट अभी क्या था इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर व्हेन एक्सपोज्ड टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड तो इस प्रकार से ये दो तो टॉपिक तो कवर होता है अब नेक्स्ट है दोस्तों फेराइट कोर इंडक्टर अब देखिए फॉर हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में ही हम इसका फेराइट कोर इंडक्टर का यूज करते हैं अब देखिए इसमें कोर क्या है फेराइट का है एंड इंसुलेटर हैविंग अ हाई परमिबिलिटी एक ऐसा इंसुलेटर है जिसकी पॉमबिलिटी बहुत ज़्यादा है ठीक अब फेराइट है क्या हार्ड डेंस सिरेमिक का बना होता है ठीक है कैसा होता है हार्ड होता है डेंस सिरेमिक बना होता है अब और उसके सिरेमिक में क्या होता है मेटब बाय फेरिक ऑक्साइड प्लस मेटल ऑक्साइड कोई दूसरा मेटल ऑक्साइड लेते हैं और फेरिक ऑक्साइड तो है ही आपके पास इन दोनों का मिक्सचर से हम हार्ड और डेंस सिरेमिक बनाते हैं तो उसे कहते हैं फेराइट ठीक अब ये फेराइट जो है वो एक इंसुलेटर है ठीक है मतलब उसमें जो लेयर चढ़ जाती है वो इंसुलेटर की हो जाती है ठीक है इस इंसुलेटर कोर को हम यूज करते हैं किसमें फेराइट कोर इंडक्टर में अभी आपको मैं बाद में बताऊंगा फिर से लेकिन आप ये पेज को फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा आप देखिए फराइट कोर सॉलिड एंड नॉट इन द लेमिनेटेड शीट ये सॉलिड का तो होता है लेमिनेटेड शीट वाला नहीं होता अभी आपने पढ़ा था ना जो आयरन कोर इंडक्टर था वो लेमिनेटेड शीट का था तो ये नहीं है लेमिटेड शीट का ठीक है ये सॉलिड था लेमिनेटेड शीट का नहीं है बिकॉज ऑफ देयर हाई रजिस्टिविटी ये अपनी हाई रजिस्टिविटी की वजह से लेमिनेटेड शीट का नहीं बन पाता अब इसकी वैल्यू जो होती है वो फ्यू माइक्रो हैंड्री से फ्यू मिली हेनरी तक होती है मतलब सबसे कम आपका एयर कोर है फिर आयरन कोर है फिर फेराइट कोर इंडक्टर है तीन प्रकार के इंडक्टर होते हैं राइट right? समझ में आया तो अब सबसे कम आपका एयर कोर इंडक्टर था जिसकी वैल्यू आपकी फ्यू माइक्रो हैंड्री से फ्यू माइक्रो हैंड्री पे ही थी इसकी वैल्यू थोड़ा बड़ी थी आयरन कोर की लेकिन अब जो जो फेराइट कोर आया है इसकी वैल्यू मिली एम मिली हैंनरी तक बढ़ गई है राइट right. अब ध्यान से देखिए इसका एप्लीकेशन इसका एप्लीकेशन भी दोस्तों मज़ेदार है ध्यान से देखिए आर एफ चौक फॉर सप्लाई डी पर्पसेस के लिए मतलब जो आर एफ चौक है वो यूज़ करते हैं फॉर सप्लाई डी पर्पसेस पर्पजेज पर्पस कपलिंग के लिए हम आर एफ चौक का यूज़ करते हैं पहला दूसरा स्विचिंग रेगुलेटेड टाइप डीसी पावर सप्लाई अगर हमें डीसी पावर सप्लाई में स्विचिंग की रेगुलेटर की तरफ यूज़ करना है तो हम इंडक्टर का यूज़ करते हैं राइट right? फिर लिखा हुआ है वेरियस टाइप ऑफ फिल्टर इन द कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक uh, डिवाइसेज़ है ना कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में इलेक्ट्रॉनिक डी चाहे तो वो नॉइस कैंसलेशन हो गया चाहे तो वो एम्पलीफायर हो गया चाहे तो वो स्पीकर uh, हो गया चाहे तो वो रिसीवर एंड पे ही हो गया जितने भी कम्युनिकेशन uh, फील्ड में जितने भी इक्विपमेंट्स लगते हैं उसमें जो फिल्टर लगता है फिल्टर क्या करता है चाहे तो नॉइस को कम करेगा अनवांटेड चीज़ों को हटाएगा है ना तो फिल्टर वाला काम में जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर भी आपका ये इंडक्टर यूज़ होता है तो यहाँ पर आपने मोटा मोटे तीन एप्लीकेशन देख लिया राइट तो दोस्तों यहाँ तक थी आज की क्लास तो अब हमें दीजिए इजाज़त थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर दीजिएगा साथ ही साथ वादे के अनुसार अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये मेरा छोटा सा प्यारा सा वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट और आपके छोटे भाई बहनों तक ये इम्पोर्टेंट वीडियो उन तक जा सके वो भी कुछ सीख सके ठीक है दोस्तों तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट एक धमाकेदार वीडियो तब तक के लिए बाय बाय